सच में किताबें जो होती हैं ना, एक दुनिया की तरह होती हैं, ज्ञान का संसार होता है। अब देखिए ना, मैं पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि डेस्टिनी कैसे बनती है। डिसीजन मेक्स डेस्टिनी। और सही भी तो है, हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि हमने डिसीजन लिया कि इसको करना है, फिर उस रास्ते पे कर्म करने लगे और कर्मों से हमने अपने भाग्य को लिख दिया। तो सही है, डिसीजन हम जैसा लेते हैं उसी तरफ हमारा रुख होता है, उसी तरह के कार्य हम करने लगते हैं, हमारा संस्कार होता है और हम फिर वही अपनी डेस्टिनी लिख देते हैं। सच लिखा है इन्होंने। और इन्होंने एक चीज़ और लिखा है, अगर भगवान लिख रहे होते किसी की डेस्टिनी, किसी का भाग्य, किसी का लक, तो शायद बहुत ही सुंदर लिखते, क्योंकि भगवान भाई हैं तो सबके प्रिय और सबको प्यार करते हैं, तो सबके लिए बहुत अच्छा लिखते। इसलिए उन्होंने हमें बुद्धि दिया, मस्तिष्क दिया, विचार दिए, कर्म दिए और संस्कार दिए कि भाई अब आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसी डेस्टिनी आप लिख सकते हो। तो इस बात पर भी विचार करिए और अपनी डेस्टिनी खुद लिखिए, अच्छे डिसीजन लीजिए। अच्छे डिसीजन लेने के लिए आपका मन, मस्तिष्क, इमोशनल सेंस, आध्यात्मिकता, ज्ञान, ये अच्छे होने चाहिए, तभी आप डिसीजन अच्छा लेंगे। ऐसा आजकल हो भी रहा है।